नाम यहाँ पर जगह है ग्रिंडल वॉल फर्स्ट, वहाँ मौजूद है। ये स्विट्ज़रलैंड का बेहतरीन एक खूबसूरत मकाम है। ये यहाँ पहुँचने का तरीका ये है कि आप ज्यूरिख से इंटरलाकन तक ट्रेन में आएँ, और इंटरलाकन अपने आप में खूबसूरत जगह है, उसका हम जिक्र बाद में करेंगे किसी और वीडियो में। और इंटरलाकन से फिर आप ग्रिंडल वॉल की ट्रेन लेते हैं, तो ग्रिंडल वॉल जो है वो आपको ग्रिंडल वॉल स्टेशन तक, तो ग्रिंडल वॉल से फिर आप जो केबल कार आपको नज़र आ रही है, इस केबल कार में बैठ के आप यहाँ पे चोटी तक आते हैं, इसे ग्रिंडल वॉल फर्स्ट कहते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त कोई हम 7113 फीट की बुलंदी पर मौजूद है, और ये इतनी खूबसूरत जगह है। मेरा ये ख्याल है कि ये स्विट्ज़रलैंड के जो खूबसूरत तरीन मकामात हैं वो उनमें से एक है। तो तकरीबन ग्रिंडल वॉल से यहाँ चोटी तक का जो सफ़र है केबल कार का, वो तो 20-25 मिनट का सफ़र है, मिनट का सफ़र है। और वो पूरी जो नीचे पहाड़ियाँ हैं और छोटे छोटे जो मकान हैं जो हम अक्सर फिल्मों में भी देखते हैं, वो हमें नज़र आते हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और हर जो मकान है, हर जो जगह है, अगर आप वो देखें तो उस तक पहुँचने का एक एक रास्ता बना हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई शख्स जो अगर इन मकानात में रहता है, मकानों में रहता है, वो यहाँ आ नहीं सकता। उसी तरह यहाँ पे सिर्फ अगर आप केबल कार के ज़रिए पहुँच गए हैं, इसके अलावा बेशुमार यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे आप को तो अगर वो साइकिलें दे देते हैं, इन साइकिलों पर बैठकर आप पहाड़ी रिश्तों पर टकराते हुए जा सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल किसी परिंदे की तरह आप ये जो स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ हैं इनमें आप तैर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने कुछ स्कूटर भी देखे हैं लोगों के पास, स्कूटर पे बैठ के तो वो पहाड़ों के दरमियान चक्कर लगाते हैं। यानी एक कहने का मकसद ये है कि सिर्फ ये एक पुरफिजा मकाम ही नहीं, बल्कि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, कैफ़ेज़ भी हैं, और अनवा अकसाम की तफरीहात भी हैं। मेरा ये ख्याल है कि ऐसे बहुत सारे खूबसूरत मकाम पाकिस्तान में भी होंगे यकीन, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना वो मकाम इस तरह से डेवलप हैं, और अगर कोई वहाँ मेहनत करके चला भी जाए तो वहाँ पर करने के लिए कोई तफरी नहीं होती, ना वहाँ इंटरनेट कनेक्शन होगा, ना कोई ढंग की चाय की जगह होगी। लेकिन बहरहाल हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, स्विट्ज़रलैंड एक बहुत तरक्की याफ्ता और डेवलप्ड मुल्क है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से एक है। हम जहाँ तक जब आए हैं तो अगर आप देखें तो एक नाकाबिले यकीन ये जो केबल कार का जो सफ़र है, इसकी जो हिफाजत है, मतलब उस पर लोगों को इतना यकीन है कि जैसे इसमें कोई मिसहैप नहीं हो सकता। ये वो ट्रस्ट है इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसकी वजह से यहाँ पर इतने टूरिस्ट जो हैं वो दुनिया भर से आते हैं। तो अभी हम जब ग्रिंडल वॉल वापस जाएंगे, इसके लिए अलहदा एक आपको दिखाएंगे कि वो कितना खूबसूरत एक छोटा सा शहर है।